हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वाति और मैं लेकर आई हूं आप सबको अपने चैनल स्वाति लाइफ स्टोरी में। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए था कि हमें वेट गेन के लिए क्या खाना चाहिए। देखो, जब हमें वेट गेन करना होता है ना, तो हमें सबसे ज़्यादा खाना चाहिए प्रोटीन। अब प्रोटीन हर वक्त तो हम पी नहीं सकते हैं ना, तो प्रोटीन की हमें सोर्स ढूंढनी होती है कि कौन कौन से सोर्स होते हैं प्रोटीन के लिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हमें ये सब चीज़ें ब्रेकफास्ट में ही खाएं। तो जो मेरा ब्रेकफास्ट है पिछले काफ़ी टाइम से, जब मैंने अपनी वेट गेन जर्नी में इसे स्टार्ट किया था और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया, और टेस्ट तो माइंड ब्लोइंग टेस्ट है। मतलब एक बार अगर आपने खा लिया तो आप इसे वीक में एक बार नहीं, वीक में 2 से 3 बार बना के खाना चाहेंगे। तो इसमें हमने लिया है दाल और हमने लिया है इसमें पनीर। तो ये दोनों चीज़ें ही प्रोटीन की एक हाई क्वांटिटी सोर्स हैं, जिसकी वजह से हमें सुबह ही ब्रेकफास्ट अगर हम इन सब चीज़ों का करते हैं तो हमें पूरे दिन के लिए एनर्जी तो मिलती ही है, और हमारे वेट इंक्रीज की जर्नी में ये हमें बहुत हेल्प करता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी रेसिपी कैसे है। बनाना बहुत आसान है और टेस्ट वाइज तो मैंने आपको बता ही दिया था, बहुत औसम है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप वेट गेन करने की जर्नी में लगे ना, खाने के साथ साथ ना आपको वर्कआउट करना होगा, आपको कुछ पावर एक्सरसाइज करनी होंगी, जो कि मेरे चैनल पर बहुत सारे आ चुके हैं, क्योंकि उन एक्सरसाइज के बिना वेट गेन करना आसान नहीं होगा। उन एक्सरसाइज के बिना वेट गेन करना आपके लिए मतलब मज़ा नहीं आएगा। यू नो, जो हम खाते हैं ना वो हमारी बॉडी में लगेगा कैसे, वो लगता है हमारी एक्सरसाइज से। तो आप वेट गेन करने के टाइम पर खाने के साथ साथ आप अपना एक्सरसाइज पे भी ध्यान रखिएगा। देखो, मैंने ना काफ़ी सारी वीडियोस एक्सरसाइज के डाली हुई हैं, आप एक बार ज़रूर जाके चैनल पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। कुछ के लिंक मैं आई बटन पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा, बट वो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। तो चलिए जल्दी से आप अपना ब्रेकफास्ट मील देख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत टेस्टी होने वाला है। तो ये हमारी हरी मूंग की दाल, जिसे हमने रात भर भिगा दी है, और ये देखिए इसे मोट भी कहते हैं, और ये फूल के थोड़ी बड़ी हो गई है। अब हमने इसको अच्छे से पीस लिया है, पीस के हम अपने पसंद के मसाले डाल देंगे, जैसे नमक, हरा धनिया, और धनिया भी डाल सकते हैं, हल्की सी मिर्च भी डाल सकते हैं आप और कुछ मसाले भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। बाकी इसको जितना सिंपल बनाएंगे ना ये अपने आप उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करके अब हम इसमें तवे पे हल्का सा, जो हमारा वो होता है ना डोसा बनाने वाला या चिले बनाने वाला, वो पैन लेंगे। तो उस हमने पैन पे लिया है, उस तवे को लिया है, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे और फिर हम इस चिले को बनाएंगे। मतलब ये इतना टेस्टी बनता है ना, आपको जब अगर आप खाएँगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसको बनाना बहुत आसान है, आप आराम से बना सकते हो। इसको अच्छे से हम सेक लेंगे, आप देसी घी का यूज़ कीजिए, क्योंकि हमको तो करना है वेट गेन, तो अच्छा सा खूब अच्छे से देसी घी में बनाइए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसको अच्छे से इसमें ब्राउन ब्राउन हो जाएगा ये थोड़ा सा ना, तो आप फ्लिप करेंगे तो अच्छे से ये ब्राउन हो जाएगा। तो जब ये ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे, और ये देखिए हल्का हल्का इस तरीके से आपको ये बना हुआ दिखाई देगा। अब हमको इसमें क्या करना है, इसको और टेस्टी और यमी बनाने के लिए हमने करना है, इसके ऊपर लगानी है हल्की हल्की सी अपनी खट्टी मीठी जो सौंठ होती है ना, हम अक्सर हम घर पे बना के रखते हैं, तो वही सौंठ का हमें यूज़ करना है, क्योंकि दाल के साथ ना इसका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा जाता है। और इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर लेंगे। ओहो, फिर तो बस क्या ही कहने, मज़ा आ जाना है आपको खाने के बाद। तो ये हमने पनीर ग्रेट कर लिया है, अब हम इस पर खूब सारा पनीर लगाओ, बिंदास खाओ। मतलब ये एक चिला भी आपके लिए सफिशेंट होगा, आपको दो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम्प्लीटली हाई प्रोटीन हैवी पनीर दाल, मज़ा आ गया। अच्छा लगे तो लाइक करना।